हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। वेलकम यू ऑल इन टुडेस लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। हर एक ऑर्गेनिज्म मैच्योरेशन के बाद क्या करता है? ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। इसका मतलब है जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ ऐसी इवेंट्स को शो करते हैं या ऐसी प्रोसेसेस को शो करते हैं जो कहीं ना कहीं फंडामेंटली हर एक ऑर्गेनिज्म्स के अंदर सिमिलर है। जैसे आप कह सकते हैं कि फंगी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, तो एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ह्यूमंस और भी कोई आप एनिमल ले सकते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक जैसी इवेंट शो करता है जब वो रिप्रोडक्शन करता है। हालांकि ये सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। हम कहीं ना कहीं प्लांट के साथ बिल्कुल मिलते जुलते नहीं हैं। वो लीव्स, स्टेम और रूट जैसे स्ट्रक्चर शो करते जबकि हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स नहीं हैं। पर जब बात रिप्रोडक्शन की आती है तो कुछ ऐसी प्रोसीजर से, कुछ ऐसी इवेंट्स से, कुछ ऐसी प्रोसेसेस से जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक जैसी ही करता है। इवन दो द स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इनडीड वेरी डिफरेंट। मैंने बताया उनकी बॉडी तो डिफरेंट है ही, उनके ऑर्गन्स तो डिफरेंट है ही, उनके अंदर टिश्यूज जो पाई जाती है वो भी डिफरेंट है, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए ऑर्गन्स भी डिफरेंट हो गए, स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हो गए। जैसे प्लांट्स के पास फ्लावर होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, हम जानते हैं एंथर की मदद से वो रिप्रोडक्शन करता है, एंड पिस्टिल जिसको कार्पेल भी कहते हैं उसकी मदद से वो रिप्रोडक्शन करता है, जबकि ह्यूमन में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर एंथर मेल को शो करता है और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शो करती है, पर ह्यूमन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, टेस्टिस हैं मेल के अंदर, फीमेल के अंदर वजाइना। इस तरीके से ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाएगा, पर इवेंट्स एक जैसी करेंगे। कुछ प्रोसीजर से जो कहीं ना कहीं एक जैसी होगी वो हम बात करने वाले आज। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सिक्वेंस। पहली चीज़ तो ये इवेंट में कुछ फिक्स सिक्वेंस है, वही सिक्वेंस से ये प्रोसीजर चलेगी। दूसरा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेराइटी प्रोड्यूस करती है, वो वेरिएशंस के लिए किए जाने वाला रिप्रोडक्शन है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि आपको कॉपी नहीं करनी है, उसके अंदर कुछ नया फॉर्म करना है, आपको वेरिएशंस प्रोड्यूस करने हैं। इसलिए ये प्रोसीजर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो कौन से ऐसे सिक्वेंसेस हैं जो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म्स फॉलो करते हैं? जब बात आती है रिप्रोडक्शन की, जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर होते हैं, जब ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं और वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होते हैं तो वो ये सिक्वेंस शुरू कर देते हैं। तो ये सिक्वेंस क्या है? रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसीजर मोस्टली पाई जाती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजन, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। पर उससे पहले भी कुछ होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव एज में आता है तो सबसे पहले मेल गैमेट्स बनाता है, जैसे ह्यूमन स्पर्म बनाते हैं, फीमेल गैमेट्स बनाता है जैसे ह्यूमन्स के अंदर ओवम बनता है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो गए, जिनको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कई बार हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गैमेटोजिनेसिस, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, सिंथेसिस। गैमेट्स बन गए, अब क्या होगा? फिर गैमेट्स ट्रांसफर हो गए और फिर वो फ्यूज हो गए आपस में, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन। हम उसके लिए एक और वर्ड भी यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का ओवम से मिलना और मिलन जो है उसके लिए वर्ड फर्टिलाइजेशन यूज किया गया है। एक और भी वर्ड है जो यूज किया जाता है, सिंगेमी। गेमी मतलब मिलन, मिलना। इसी वजह से तो जो चीज़ें मिल रही है आपस में उनको गैमेट्स नाम मिला। जिनका मिलन हो रहा है उनको गैमेट्स कहेंगे, क्योंकि गेमी का मतलब होता है मिलन या तो मिलना, फ्यूज होना। इसलिए सिंग गेमी भी कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं और आप फ्यूजन भी कह सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट का।
फिर हम सब जानते हैं कि जैसे ही स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हो जाते तो सबसे पहला सेल फॉर्म होता है लाइफ का, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और वहीं से लाइफ शुरू हो गई। तो जाइगोट का फॉर्मेशन और कुछ ऑर्गेनिज्म जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, जैसे ह्यूमंस। जाइगोट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होने लगेगा, एक में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स फॉर्म होते जाएंगे और फिर सेल्स के ग्रुप्स फॉर्म होंगे। फिर हम सब ने पढ़ा है एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर कि थ्री लेयर्स फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और ये हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। और शायद आपको याद हो तो 11 साइंस में चैप्टर 4 के अंदर आपने पढ़ा था कि एम्ब्रियोनिक लेयर्स के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट लेयर होता है एक्टोडर्म, जो बाहरी है, मिडल लेयर मेसोडर्म, और अंदरूनी लेयर एंडोडर्म। जो भी सेल्स जाइगोट से बने हैं वो तीन लेयर में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और तीनों लेयर से अलग 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 ऑर्गन्स फॉर्म होने लगते हैं, और 9 मंथ के बाद बेबी कम्प्लीटली डेवलप्ड होने के बाद आउटर वर्ल्ड में डिलीवर होता है। तो ये जो पीरियड है जाइगोट से लेके पूरे बेबी का फॉर्मेशन, उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। जिनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। दिस सिक्वेंशियल इवेंट्स मे बी ग्रुप्ड इंटू थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस। इनको तीन स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहला पीरियड फर्टिलाइजेशन के पहले का, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री मतलब पहले का, बिफोर, तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले का वक्त। फर्टिलाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिस प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए। एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसका मतलब है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो प्रोसीजर्स। तो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में हमने समझा। हम एक एक करके ये सारी इवेंट समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने ये समझा कि हर एक ऑर्गेनिज्म भले ही एक दूसरे से काफ़ी अलग है, जीनेटिकली तो अलग है, बाहरी अपीरियंस से मॉर्फोलॉजिकली भी काफ़ी डिफरेंट है। हर एक ऑर्गेनिज्म्स के अंदर अलग अलग किस्म के सेल्स और टिश्यूज, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी एक जैसे नहीं हैं, पर जब बात सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की आती है तो ये सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं सिमिलर इवेंट्स को शो करते, सिमिलर सिक्वेंसेस को शो करते। हर एक ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन भी तो होता है।